मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम, वो तेरी दौलत है जिसने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको VN के ऊपर इतनी खूबसूरत जो है वो एडिटिंग करना सिखाऊंगी। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना और एंड तक वॉच कीजिएगा ताकि आप भी जी इतनी खूबसूरत ही एडिटिंग कर सकें। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। और स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और यहाँ से अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा हमारी वीडियो को ताकि हम मोटिवेट होकर और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो जब हम स्टार्ट करते हैं कि हम इतनी खूबसूरत एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, कोई मोटिवेशनल वीडियो बनानी है, कोई अकवाले ज़रिए की बनानी है या हदीस मुबारक की बनानी है, आप इस तरह की रील बनाएंगे ना शॉर्ट वीडियो के लिए तो 100% जी वायरल ही जाती है। प्रूफ देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर आकर मेरी शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल जी भी गलत टाइम के ऊपर अपलोड कर दी, लेकिन उसकी स्टार्ट में लाइन बिल्कुल सीधी थी। जैसे ही सबने वॉच करना शुरू किया तो जी वो अप होती चली गई। माशाल्लाह से जी सबके ऊपर मेरी 100 सब्सक्राइबर्स हैं। मैं आपको हमेशा से बताती रहती हूँ कि मेरी वीडियो जी वाकई हिट होती है और आप मेरे सब्सक्राइबर्स देख के भी देख सकते हैं, मेरे व्यूज़ देख के भी आपको पता अंदाज़ा हो सकता है कि वाकई ऐसा ही है। ठीक है जी, तो अब हम शुरू करते हैं कि हम इतनी खूबसूरत जी कैसे एडिटिंग कर सकते हैं। तो जी सबसे पहले हमने जो है ना इस तरह की ब्लैक स्क्रीन लेनी है, उसको मैं आपको बताती हूँ कैसे हम लेंगे। ये आप पिंटरेस्ट से भी काम कर सकते हैं। और तो हमने जी सबसे पहले ये ब्लैक स्क्रीन लेनी है और साथ ही हमने मोटिवेशनल जो है एक टॉक लेनी है या अति से मोर का भी हम ले सकते हैं, क्वाले जरिए भी ले सकते हैं। सारा कुछ मैं आपको बता देती हूँ कैसे हम लेंगे। उसके बाद हम पहले पिंटरेस्ट से मेथड आपको समझा देती हूँ कि हम किस तरह से लेंगे। ठीक है, हम पिंटरेस्ट पर आते हैं। यहाँ से हमने पिंटरेस्ट को ओपन किया। अगर आपने अपने प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से पिंटरेस्ट को ओपन कर लेते हैं। आज जी यहाँ से हमने सर्च बार पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर सर्च बार पर हम टाइप करते हैं ब्लैक स्क्रीन इस्लामिक वीडियो, इस्लामिक वीडियो स्टेटस। तो हमारे पास इस तरीके से आ जाता है। आप यहाँ से या तो कोई वीडियो ले लीजिएगा, हम यहाँ से इसको ले लेते हैं। ठीक है, हमें बिल्कुल विदाउट वाटरमार्क चाहिए और उसके ऊपर यहाँ पे हम खुद से ये सब कुछ जो है वो लिखेंगे। तो वो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ से 3 डॉट्स आ रहे हैं, हमें 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से कॉपी लिंक की ऑप्शन आ रही है, हमने कॉपी लिंक पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको हम किस तरह से सेव करेंगे। ये इस तरीके से सेव नहीं होती, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं आ रही होती। ठीक है, अब हम सर्च बार में जाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे जी पिंटरेस्ट। तो देखिए जैसे हमने पिंटरेस्ट वीडियो डाउनलोडर, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इस पर क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाली ऑप्शन आ रही है, हमने इस पर क्लिक कर देना है और जो लिंक हमने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, हमने डाउनलोड कर देना है। और ये देखें जी इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब हमने थोड़ी देर यहाँ पर होल्ड डाउन रखना है, इस तरीके से हमने जैसे ही इस पर होल्ड डाउन रखा है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी, डाउनलोड लिंक पे क्लिक कर देते हैं। और ये देखें जी यहाँ पर डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं और ये हमारे पास 7 MB की है, ये देखें, और ये हमारे पास डाउनलोड होकर हमारी गैलरी में आ जाएगी। अगर आपने पिंटरेस्ट से कुछ चीज़ लेनी है तो हमारे पास ये वाला मेथड है। अब मज़ीद हमारे पास इस तरीके से गैलरी में आ चुका है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर टेक्स्ट लगाना है तो वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से टिकटॉक ओपन करिए। ठीक है, टिकटॉक भी सबके पास होता है तो हम इस तरीके से टिकटॉक को ओपन कर लेते हैं। टिकटॉक पे आने के बाद यहाँ पे सर्च बार आ रहा है, हमने सर्च बार पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर सर्च बार आ रहा है और यहाँ पर हम टाइप करते हैं ब्लैक इस्लामिक स्टेटस वीडियो। जैसे हमने सर्च बार में ब्लैक इस्लामिक स्टेटस वीडियो जो है वो टाइप किया तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, टॉप भी हैं, वीडियोस हैं, यूज़र्स भी हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो हमें और भी बहुत ज़्यादा मिलती ही जाती हैं। ठीक है, हम यहाँ से कोई एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि हम फर्स्ट वाली पे क्लिक करते हैं और इसको इस पर थोड़ी इसको क्लिक करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ से शेयर के ऑप्शन पर जाना है, हमने शेयर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो सेव के ऑप्शन आ रही है हमने सेव पर क्लिक कर देना है और हमारी वीडियो जो है इस तरीके से सेव होकर गैलरी में आ जाएगी। और जस्ट जैसे ही हमने इस पर सेव पे क्लिक किया तो देखिए हमारी वीडियो जो है वो डाउनलोड होकर इस तरीके से गैलरी में आ चुकी है। ठीक है, तो जैसे ही हमने मोर वीडियोस पे भी यहाँ पे क्लिक किया ना तो आपको यहाँ पे इस तरह की टेम्पलेट्स मिल जाती हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने ब्लैक स्क्रीन वाली वहाँ से ली थी, यहाँ से आपको बहुत सारी इस तरह की मिल जाती हैं। वो कैपकट के ज़रिए भी बताया और यहाँ से भी मैं बता रही हूँ कि हम किस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कि हमने पिंटरेस्ट से कैसे ले सकते हैं, क्योंकि पिंटरेस्ट से डाउनलोड नहीं होता, आपको क्रोम ब्राउज़र में जाकर इसको डाउनलोड करना होगा। और इस तरीके से ने टिकटॉक की वीडियो को भी डाउनलोड कर लिया। अब हमने इनको कैसे यूज़ करना है तो वो मैं आपको मेथड समझाती हूँ। हमने यहाँ से VN को ओपन कर लेना है।
जो उसके बाद हमने VN को ओपन कर लेना है। ये हमारे पास है VN, अगर आपने इसको भी अभी तक डाउनलोड नहीं किया हो तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। यहाँ पे जी प्लस की ऑप्शन आ रही है, हमने प्लस के साइन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। हमने यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दिया और ये हमारे पास ये इंटरफेस आ चुका है। हमने यहाँ से सबसे पहले तो और जो हमने जो पिंट्रेस्ट से डाउनलोड की थी उसको हम यहाँ पे ले लेते हैं। अब आपको समझने में आसानी होगी कि पिंट्रेस्ट से हमने वीडियो ली थी और टिकटॉक से हमने वो टेक्स्ट लिया है। यहाँ पे क्लिक कर देना है स्टिकर वाली ऑप्शन पर, यहाँ से वीडियो फ़ोटोज़ पे आते हैं और यहाँ से जी हम अभी जो हमने टिकटॉक से लिया है उसको हम यहाँ पर ले आते हैं और इसका साइज़ हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। ये देखेंगे इस तरीके से हमारे पास ये आ रहा है, इसको हम मज़ीद बड़ा कर देते हैं। उसके बाद जी यहाँ से हमने पर ही क्लिक करते हुए ब्लेंडिंग के ऑप्शन पर आना है, ये वाली ब्लेंडिंग की ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ से हमने लाइटिंग लाइटन जो लिखा हुआ है ना ये वाला फैक्ट, इस पर क्लिक कर देना है और टिक पर क्लिक कर देंगे तो हम आपको प्ले करके दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत हमारे पास ये ब्लैक स्क्रीन के अंदर आ चुका है। इसका साइज़ हम मज़ीद हम इसे बड़ा कर सकते हैं। ये देखें जी जहाँ पे आपको सूट कर रहा होगा ना उतना आप कर लीजिएगा। ब्लैक स्क्रीन तभी रखते हैं कि ये जो ब्लैक पर वाइट लिखा होता है ना ये प्रॉपरली आपको इस तरह से शो हो रहा हो। उससे इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहे होते तो आप जो है इस तरीके से कहीं से भी आप ले सकते हैं टेम्पलेट और बहुत ही खूबसूरत सी टेम्पलेट्स आपको मिल जाती हैं। अपनी टेक्स्ट वाली जो ऑडियो है ना उसकी वॉइस चाहिए और इसकी वॉइस नहीं चाहिए, हमने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम की ऑप्शन आ रही है हमने इस पर क्लिक किया और हमने इसको बंद कर दिया। ठीक है, हमें इसी की सिर्फ साउंड चाहिए, हम प्ले करके देख लेते हैं। जो ये वाली थी क्योंकि ज़ाहरी बात है कि नात लगी होगी और इस तरीके से आपके पास बैकग्राउंड बना होगा तो आपने जो है उसकी आवाज़ को म्यूट कर देना है और इसको रहने देना है। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारी 16 सेकंड की यहाँ तक कंप्लीट हो रही है तो हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ से हम इसको सब्लिट कर देते हैं और इस तमाम पोर्शन को डिलीट कर देते हैं। और जी इस तरीके से हमारे पास ये रेडी हो जाएगा और इसका प्रीव्यू मैं आपको लास्ट में दिखा दूँगी। देखें जी कितना खूबसूरत हमारे पास इस तरीके से रेडी होकर आ चुका है। और अब हम चाहते हैं कि हमारे चैनल का नाम भी यहाँ पर इस तरह शो हो रहा हो। ठीक है, तो हमने यहाँ से प्लस के साइन पे क्लिक कर देना है, टेक्स्ट जो आ रहा है उसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, ऐड ए हेडिंग पे हमने क्लिक कर देना है और यहाँ पे हम अपने चैनल का नेम जो है वो टाइप कर देते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम इसके ऊपर इसको इतना मोटा नहीं हमारे पास फॉन्ट, हमें बोल्ड में नहीं चाहिए, इस तरीके से पतला सा फॉन्ट चाहिए था तो हमने यहाँ पर ले आते हैं और इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया तो वीडियो के एंड तक ही चला जाएगा। उसके बाद जी हमने इस पर की फ्रेम लगा देते हैं, हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ से की फ्रेम की ऑप्शन आ रही है, हमने की फ्रेम पे क्लिक कर दिया और उसके बाद हम लास्ट पे जाते हैं और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से रख देते हैं। हम इसको प्ले करके देख लेते हैं, इस तरीके से हमारे पास ये शो होता रहेगा। ठीक है, इसकी ओपेसिटी को अगर आप थोड़ा सा कम करना चाह रहे हो तो भी कर सकते हैं। ओपेसिटी पर क्लिक करते हैं, थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को लो कर देते हैं ताकि इतना प्रॉपरली भी ये शो ना हो रहा हो हमारा चैनल का नेम। ठीक है, ये देखें जी कितना खूबसूरत हमारे पास टेक्स्ट इस तरीके से लिखा हुआ आ चुका है। जी चैनल का नेम भी आ रहा है और इसका साइज़ हम कम करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, हमने इसी पे क्लिक किया और इसके साइज़ को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद हमने यहाँ पे एरो का साइन आ रहा है, एरो पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ से हमने एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है और ये देखें जी एक्सपोर्ट होकर हमारे पास ये गैलरी में चला जाएगा। एक्सपोर्टिंग वीडियो प्लीज़ डोंट लॉक द स्क्रीन और लीव दैम, तो आपने जी बिल्कुल भी किसी और ऐप पे नहीं जाना और ना ही इसको क्लोज़ करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डन की ऑप्शन आ रही है, हमें डन पे क्लिक कर देना है और हमारे पास इस तरीके से गैलरी में सेव होकर आ चुका है। इसका प्रीव्यू जी एंड पर हम दिखाएंगे आपको, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। ये बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप जो है वो इस तरीके से फॉन्ट जो है वो लाना चाह रहे हैं ब्लैक स्क्रीन पर तो ये बहुत ईजी सा मेथड है, तो आप भी इतनी खूबसूरत रील्स बना सकते हैं। चलें जी पहले सब्सक्राइबर्स वह तो गेन करें ना, जब सब्सक्राइबर्स आपके बढ़ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके व्यूज़ भी बढ़ जाएंगे। अगर आप इस तरह की टिकटॉक के लिए रील बनाना चाह रहे हैं या अपनी शॉर्ट वीडियो के लिए रील बनाना चाह रहे हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत एक मेथड है, इसे आप यूज़ कर सकते हैं, बस विदाउट कॉपीराइट हो, कहीं पर भी कॉपीराइट का साइन ना हो। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा
और मिलते हैं एक न्यू और अच्छी वीडियो के साथ। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर तुम अल्लाह ताला से उस तरह डरो ना जिस तरह डरने का हक है, तो तुम ऐसा इल्म जान लोगे कि जहालत ही सारी खत्म हो जाएगी।